हेलो एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे। ये यूनिट सेकंड का पार्ट 9 है। इसमें हम लोग यूनिट फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस। ये सारी बिल्डिंग्स को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल होता क्या है। एक बात पहले समझ लो कि ये या तो सेमी ऑटोमेटिक मोड पे चलेगी या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पे चलेगी। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब मशीन्स कर रही होंगी, लेकिन फिर भी उन मशीन्स को ऑपरेट ह्यूमन करेगा। ठीक है, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट मतलब चाहिए ही होगी। लेकिन ऑटोमेटिक में मतलब कई सारे ऐसे होते हैं जो हमारे केवल रोबोट्स करते हैं वेल्डिंग, उनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं होता है। उसे बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग रिक्वायर कॉन्टिन्यूसली क्विड कंज्यूमल ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड कंटेनिंग अ फ्लक्स एंड कॉन्स्टेंट वोल्टेज और लेस कॉमनली अ कॉन्स्टेंट करंट वेल्डिंग पावर सप्लाई। देखो ये हमारा फिगर है इसी का, मतलब फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग का। इसमें एक तो ये हमारी पावर सप्लाई से जो भी आ रहा है, ये करंट को एक कॉन्स्टेंट करंट हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली फीड कंज्यूमल ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड, समझ रहे हो, जो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोड निकलेगा। ठीक है, एक तो ये वायर होगा, ये हमारा मेन इलेक्ट्रोड होगा, ये इस जो इससे निकलेगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड रॉड सी होगी। ठीक है, वो भी कंज्यूमेबल होगी। अभी अगले फिगर से अच्छे से समझेंगे। तो वो भी कंज्यूमेबल होगी, वो भी पिघल के हमारे इसी में मतलब बिल्डिंग्स में इसमें डिप्स हो जाएगी। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल्स का कि या तो ये सेमी ऑटोमेटिक होगी या फिर फुली ऑटोमेटिक होगी, और इसमें कॉन्टिन्यूस फीड हमको मिलेगा ट्यूबलर इलेक्ट्रोड रॉड का। अब इसमें फ्लक्स मतलब अगले फिगर से सुनो। देखो ये हमारे बिल्डिंग का प्रोसीजर, इसमें क्या है, ये हमारी ट्यूबलर रॉड है मतलब इस टाइप से। ठीक है, और ये है फ्लक्स कोल्ड वायर, यानी कि जो हमारा जो वायर है जो मैंने पिछले फिगर में बताया था, ये जो इसका बंडल सा है, ये वायर ये काफ़ी मतलब मुलायम सा होता है, ऐसा नहीं ब्रिटल मटेरियल का बना होता है, डक्टाइल मटेरियल का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा फ्लक्स मिक्स मतलब मिक्स होता है इसी के अंदर, इसमें हम अलग से कहीं नहीं दे रहे, हालांकि आता है इसी के थ्रू है। तो जो हमारा मेटल है जब यहाँ पे मेल्ट होता है, तो वो फ्लक्स होता है वो भी जलता है। अब देखो ये वेल्डिंग दो मोड में की जा सकती है। एक होती है कि शील्डेड गैस को हम एक्स्ट्रा जैसे इसमें ये बाहर से शील्डेड गैस का प्रोवाइड कराया गया है, या फिर जो हम इसी में जो हमारा फ्लक्स होता है उसमें हम कुछ इस तरह के मटेरियल मिलाते हैं ताकि वो जलने के टाइम पे एक शील्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। मतलब वो जब जलते हैं तब एक तरह का कुछ गैसेस क्रिएट करते हैं, उससे भी हमारी शील्डिंग हो जाती है। तो अगर हम अलग से शील्डेड गैस को प्रोवाइड कराते हैं तो हमारी इसे बोलते हैं डबल शील्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। और इसमें क्या है, ये रहा नोजल हमारा, ये वायर कॉन्टेक्ट टिप है और ये शील्डेड गैसेस हैं अगर हम चाहें। ये भी ऑप्शन में होता है, ये जरूरी नहीं कि हो ही। ठीक है, और ये सोलिडी 5 स्लैग मतलब जो हमारा जम गया है यहाँ पे वो ये है। और मोल्टन मेटल क्या है, यहाँ पे हम इसे मोल्ड करके रखा है मैंने। ये आर्क है, ये आर्क इनिशिएट हुए यहाँ पे, और मोल्टन बेल्ड मेटल, ये बेल्डेड मेटल है। ठीक है, तो अब समझ गए होगे इसका प्रोसीजर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मतलब यहाँ से जो हमारा जो भी कंज्यूमेबल जो वायर है वो आ रहा होगा ट्यूबलर राइट के थ्रू, इसी वायर के अंदर वो मिले होते हैं हमारे फ्लक्स, और वो फ्लक्स जब जलता है तो वो सील्ड गैसेस को क्रिएट करता है अपने आप। और हम चाहें तो अलग से भी सील्ड गैसेस को प्रोवाइड करा सकते हैं इसके ऊपर डबल शील्डिंग करने के लिए। और जो इस मतलब कोल्ड वायर होता है, इसकी जो फीडिंग रेट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो वर्किंग फिनोमेना मैं इतनी देर से भाई समझा रहा हूँ, चाहो तो पढ़ लेना। हाँ, तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस, मतलब क्या एडवांटेज है, हम क्यों इसको इस्तेमाल करें। तो पहली बात है कि ये ऑल पोजिशन प्रोसेस है, मतलब किसी भी पोजिशन में आप बिल्डिंग कर सकते हो, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल। ठीक है, और नो शील्डिंग गैस नीडेड विद सम वायर। मैंने बताया था ना कि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें कई बार में हम ऐसे फ्लक्स को यूज़ करते हैं जो अपने आप शील्डिंग गैस प्रोवाइड करते हैं, हमें शील्डिंग गैस की कोई जरूरत नहीं होती है, चाहे तो कर भी सकते हैं। ठीक है, और आउटडोर विंडी कंडीशन मतलब जहाँ पे काफ़ी हवा वगैरह चल रही है, उसके बावजूद हम अगर नॉर्मल आर्क लेके जाएंगे तो चल मतलब आर्क बहुत ज़्यादा ब्लो होगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से हो जाती है। ठीक है, हाई डिपोजिशन रेट, ठीक है, और हाई स्पीड हाई डिपोजिशन रेट, ये काफ़ी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी इसका यूज़ होता करते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सबमर्ज्ड आर्क
वेल्डिंग और फिर क्या है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, देर इज़ अ लेस स्किल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको स्किल नहीं चाहिए, जैसे कि समर्ज आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में चाहिए होती है। ठीक है, लेस प्री क्लीनिंग ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, मतलब इतना साफ भी नहीं करना होता है आपको, मतलब ऐसे ही नॉर्मली कर देती है वेल्डिंग। ठीक है, फ्लैश कोर आर्क वेल्डिंग रिक्वायर्ड विद और विदाउट शील्डिंग गैस। मैंने बताया था ना कि शील्डिंग गैस को यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तीसरी बार बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका मेटल कॉन्टैक्ट टिप। हम जब यहाँ पे वो करते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली में इसको टच कराना होता है बेस मेटल के साथ में, तो क्या होता है एक दूसरे को फ्यूज़ कर देते हैं जिससे ये काफ़ी इस तरह से बेल्ड आता है। ठीक है, दूसरा इररेगुलर वायर फीड। हमने बताया ना कि जो हमारा इलेक्ट्रोड से बाहर निकलता है जो वायर, वो मतलब कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है, तो अगर वो थोड़ा सा भी इरेगुलर हुआ या फिर हमें जहाँ पर भी मतलब थोड़ी एक सेकंड रोक के वेल्डिंग चलानी पड़ी तो उतना आ गया, तो इससे क्या होता है कहीं पे मतलब ज़्यादा वेल्ड इकट्ठा हो गया या कहीं पे बहुत कम कम वेल्ड रह गया वेल्डेड मेटल। ठीक है, तो ये भी एक मतलब दिक्कत आती है हमें इस वेल्डिंग में। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोरोसिटी। पोरोसिटी समझते हो, पोरोसिटी का मतलब होता है कि जैसे बिल्डिंग की है इसके अंदर कुछ गैसेस क्रिएट हुई, वो अपने बाहर निकलने पे कुछ होल्स क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, जब वो निकलती हैं एक जो देखा होगा ना बबल, बबल फूट के निकलता है उस टाइप से इसमें निकलती हैं, तो वो एक होल क्रिएट कर देती हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जैसे यहाँ पे बिल्डिंग कर रहे हैं तो इसी एरिया पे हम थोड़ी देर रखेंगे ताकि वो गैसेस जितनी भी हैं बनना है वो जल के फूट के निकल जाए, उसके बाद जो वेल्डेड मेटल है उस तब तक पिघला रहे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलाते हैं, जिससे वजह से स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। तो यही है लिविंग होल इन द वेल्डेड मेटल, मतलब उससे पहले छोड़े ना जब तक उसकी सारी गैसेस जो क्रिएट हो सकती हैं वो क्रिएट होकर बाहर निकलना जाए, स्केप करना जाए। ठीक है, और अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। सबसे पहला एप्लीकेशन हाई प्रोडक्शन रेट, मतलब कोई आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि ये जहाज़ बनाना है आपको 3 महीने में, तो इस बिल्डिंग को यूज़ करो धड़ल्ले से, मतलब जल्दी बना देगी। फ्लैश कोर बिल्डिंग कैन बी हाफ इंच प्लेट इन अ सिंगल पास। सिंगल पास में ये हाफ इंच की जो प्लेट है उसको बिल्ड कर देती है, वो भी फुल पेनिट्रेशन के साथ दोनों साइड से। फ्लैश कोर बिल्डिंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी बिल्ड फास्ट एंड इवन व्हेन इन द विंडी कंडीशन। मैंने बताया था बहुत तेज हवा वगैरह चल रही हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी की अच्छी बिल्डिंग मिल जाती है। यूजिंग इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप आर मेड ऑफ हैवी प्लेट्स। तो शिप बिल्डिंग में जो जितनी भी आपने देखा होगा ना कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन सारी बिल्डिंग में या फिर जितने शिप्स हैं उनको क्रिएट करने में हम हैवी मशीनरी या फिर हैवी टाइप की बिल्डिंग्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें नॉर्मल ऐसे ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा बनाया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिंगल प्लेट हमने कास्ट की होगी, ये सैकड़ों प्लेटें जोड़ी गई होंगी और इसमें प्रोसीजर भी बहुत रखना होता है, वरना अगर जरा सा भी कहीं पर भी लीक हो गया पूरा जहाज जाएगा। तो इसीलिए हम इस टाइप की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं स्पेशल टाइप की वो सारी शिप बिल्डिंग में तो यूज़ करते ही करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा हर एप्लीकेशन में शिप की बात आ ही जाती है। और बस यही था हमारा लेक्चर, थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसकी PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। धन्यवाद।